नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। हमारे देश भारत वर्ष में तरह तरह के दिव्य और चमत्कारी जड़ी बूटी पाई जाती हैं। किसी अन्य देश में इतनी दिव्य और चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ अनानास के फायदे और औषधीय गुणों के बारे में। अनानास एक ऐसा फल है जो अपनी खुशबू और खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। अनानास को हिंदी में अनानास, अंग्रेजी में पाइनएप्पल, अरबी में एनुनास तथा तेलुगु में अनासा चेतु भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, फास्फोरस, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम आदि। दोस्तों, अनानास के आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। अनानास के प्रयोग से जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है उसके भूख को बढ़ाया जा सकता है। मूत्र रोग की समस्या हो, गुर्दे की पथरी की समस्या हो, पेट में कीड़ी की समस्या हो, इम्यूनिटी पावर की कमी की समस्या हो, या चाहे आंखों की कमजोरी की समस्या क्यों न हो, इन सभी तरह के समस्याओं को अनानास के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे जान लेते हैं कि कौन से बीमारी में इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, भूख की समस्या को दूर करने के लिए अनारस का जूस 15 से 20 दिनों तक सेवन करना होगा। इसके बाद मूत्र रोग, गुर्दे की पथरी की समस्या को ठीक करने के लिए अनारस के जूस के साथ गुड़ मिलाकर 10 से 15 दिनों तक सेवन करना होगा। मूत्र रोग की समस्या ठीक हो जाएगी और गुर्दे की पथरी भी बाहर निकल जाएगी। अनारस के पके फल का सेवन करने से पेट के कीड़ी भी मर जाएगी। इसके साथ ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अनानास के जूस का सेवन करना होगा। इसके साथ ही साथ आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए अनानास के पके फल का सेवन करना होगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।